हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि डेप्रिसिएशन और डिप्लेशन क्या हो जाता है। तो एक सब्सक्राइबर है आदर्श मिश्रा, उसने बोला था कि सर डेप्रिसिएशन और डिप्लेशन में क्या फर्क होता है, इसके लिए एक वीडियो बनाइए। तो मैंने बोला ऑप्सोलेंस और एमोर्टाइजेशन भी यहाँ पे सिखा देता हूँ। दोस्तों ये किस तरह से हो जाता है कि भाई ये मशीनरी है, या हो सकता है कि बिल्डिंग है, या हो सकता है कि कोई कार है, ये सारी फिक्स एसेट होती है, इनकी एक लाइफ होती है। हो सकता है कि वो 10 साल हो सकता है 20 साल हो या 5 साल हो। अब वो उसकी लाइफ जो होती है, आप जैसे जैसे मशीन यूज करने जाते हो तो वो जो होता है वो कम हो जाता है, ये हमारा लॉस है। उसकी बुक वैल्यू में जो डिक्रीज होता है बिकॉज वी कीप ऑन यूटिलाइजिंग इट, वो हमारा लॉस है। तो वो लॉस को हम लोग दोस्तों डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो भाई डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, तो भाई फिक्स एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज हुई थी, से फॉर एग्जांपल आप कार लेके आए 6 लाख की मारुति शिफ्ट, अब 2 साल हो गए तो वो 4 लाख में मिलेगी, तो जो वैल्यू डिक्रीज हुई है वो वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके आगे एक और पॉइंट ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। आप नई बाइक लेके आए हो, 2019 में ही आपने बाइक लेके आए हो, तो आपकी बाइक का डेप्रिसिएशन जो कम होगा, मैं 2009 में लेके आया हूँ तो बट ऑब्वियसली मेरी बाइक जो है वो ज्यादा टाइम यूज हुई है, तो मेरे बाइक का डेप्रिसिएशन ज्यादा ही होगा। और लास्ट पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन हर साल चलते जाता है, जब तक आपके पास एसेट है, जब तक वो यूज कर रहे हो तब तक डेप्रिसिएशन आता है। तो ये तो एक डेप्रिसिएशन की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे के डेप्रिसिएशन जैसे दूसरे कौन से कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में यहाँ पे पूछा था, तो पहला यहाँ पे आ जाता है डिप्लेशन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक फोटो दोस्तों, ये क्या है, तो भाई ये एक बॉइल वेल है, और ये क्या है, तो भाई ये जो है वो माइंस है जिसे आप कोयला बाहर निकालते हो। अब है क्या कि भाई 10 एकड़ का टुला मैंने ये ले लिया है, अब जितना मैं उसको खोदना चालू करूंगा उतना ही वो मुझे मिलेगी, और जो बचेगा वो एक बार मैंने उसको पूरा का पूरा खोद लिया तो मेरे लिए वो एसेट जीरो हो जाता है। तो टर्म डिप्लेशन इज यूज विद रिगार्ड्स टू नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल या माइंस, जो मैंने आपको फोटो दिखाया है। अब इसको आप खोद खोद के बाहर निकालते हो तो व्हेन द नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड एंड देयर स्टॉक वैल्यू इज रिड्यूस, तो वो रिडक्शन जो होता है वो हमारा एक डिप्लेशन है या लॉस है। तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे होता है, ऑयल वेल और माइन का अगर बात करें तो उसे डिप्लेशन बोलते हैं। ऐसा ही कुछ एक और टर्म है जिसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अब ये क्या हो जाता है कि भाई अगर इनटेंजिबल एसेट, ये मैकडोनल्ड्स का पेटेंट है, मैं ऐसे साइन का मेरा यहाँ पे नहीं चालू कर सकता, या ये कॉपीराइट जो होती है हैरी पॉटर की बुक में नहीं लिख सकता, तो वो एमोर्टाइजेशन। तो उसके लिए लिखा है द टर्म एमोर्टाइजेशन इज यूज विद रिगार्ड टू इनटेंजिबल एसेट। अब ये मान लो कि भाई मैंने ये पेटेंट या कॉपीराइट जो है वो परचेज कर लिया है 10 लाख रुपए के अंदर, और वो जो है वो 10 साल में मिलेगा, तो भाई 10 लाख/10 साल, तो 1 साल का 1 लाख में राइट ऑफ करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, तो वो चीज को एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद थर्ड थिंग जो है वो हो जाता है ऑब्सोलेंस। अब ये क्या हो जाता है कि ये आज से 25 साल पहले का टाइपराइटर है और अभी ये नया टाइपराइटर आ गया या तो लैपटॉप आ गया, तो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी आ जाने से पुरानी टेक्नोलॉजी जो होती है वो खलास हो जाती है, अब वो हमारे कोई यूज के काम नहीं आती, तो उस चीज को ऑब्सोलेंस बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ऑब्सोलेंस का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन के रीजंस जो है वो भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपके मार्क्स जो होते हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन क्यों आ जाता है, तो कि भाई पैसे जो टाइम होता है, वेयर एंड टेयर होता है, मशीन हम लोग यूज करते हैं, तो ये मशीन जो हमने यूज की है उससे उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन आता है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे बोला हुआ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना तो आपके लिए वो भी फायदा होगा। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, तो अगर मैंने कोई दवाई है तो पेटेंट मुझे 10 साल के लिए मिला हुआ है
और 5 साल हो गया तो वो फिर आधा हम लोग राइट ऑफ कर लेते हैं, बिकॉज 10 साल के बाद ये लीगल राइट जीरो हो जाने वाले है, इसीलिए हर साल उसको लिखते जाते हैं, इसीलिए ये डेप्रिसिएशन में आता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ऑब्सोलेंस, जो मैंने आगे समझाया था कि भाई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी आउट ऑफ डेट हो जाती है, बराबर, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं। और लास्ट जो यहाँ पे बताया गया है वो एबनॉर्मल फैक्टर होते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फायर, फेमाइन, कुछ भी हो गया और मशीन हमारे यूज करने लायक नहीं रही तो हम उसे डेप्रिसिएट कर देते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक्स दोगे तो बहुत अच्छा लगता है। आपके और भी कोई डाउट है, आपको ऐसा है कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए, तो oza_pranav पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हो या वीडियो की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अगर जेन्युइन लगा तो मैं 100% उस पे वीडियो बनाऊंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।